Kelly Worden in moving an object along a straight line from 3, -1 to 2, -1, -4 in a force field which is given by 4i - 3j + 2k. देखो इसमें करते हैं कि i वाले में से i को माइनस करते हैं, j वालों में से j को, k वाले में से k को, फिर इनकी डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है. कांस्टेंट फोर्स, देखो ये बड़ा अहम वर्ड है, कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास 5 kg. अच्छा जी, फ्रॉम 5 to 7 m/s, ये वी आई हुआ, ये वी एफ हुआ, ये टाइम आ गया. द डायरेक्शन ऑफ द मोशन रिमेन अनचेंज, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. देखो बहुत हलवा है, जी सिर्फ कन्फ्यूज करने के लिए दिया हुआ है. एम है ना, ए आएगा, हो जाएगा. ए कैसे आता है, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी. ए आ जाएगा 0.5, 5 से मल्टीप्लाई कर दो 2.5 newton. अब देखो ये सवाल कैंसिल हुआ था क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन रॉन्ग दिए थे. जब बॉडी डाउनवर्ड होती है ना तो मास और तो होगा, एक्सेलरेशन और जी, इनका डिफरेंस लेते हैं. जी में से ए माइनस करो 6.8 होता है, तो 10 × 6.8 68 होना चाहिए था. इन्होंने एक बुक से कॉपी किया था और अल्लाह माफ़ करे उसमें मिस्टेक कर दी थी. इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज लेंथ ऑफ टेलीस्कोप. ये आते भी बहुत है ना, ये सारे हर एक साल में नहीं, हर साल आते. क्लास ऑफ वेव विच डस नॉट नीड अ मटेरियल इन देयर प्रोपगेशन, आर्क ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अब देखो ये लेवल की बुक से सवाल नहीं है, इसको मैं सीधा साधा ट्रिक से कराता हूँ, ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो. एम और 2m, तो किसका पूछ रहे हैं, ब्लॉक x जो है ये m है, y 2m है, तो आपको पूछ रहे हैं कि y x पे कितनी फोर्स अप्लाई करेगा. तो y का 2m है मैग्नीट्यूड, और 2 और वो ये देखो 1m का मतलब है 1 और 2 का सम कितना होता है 3, तो हो जाएगा 2f/3. ये न्यूमेरिकल ये है कि देखो 6 kg है, V4 है, ये अलग से न्यूमेरिकल की सबकी वीडियो बनाई हुई है मैंने, एनी हो वो भी आपके पास अवेलेबल हो जाएगी, देखें तो चैनल पे मौजूद है. एम वी 6 × 4 = 24 बन रही है. अब देखो एक मास एम वन है, अगर टोटल 6 था तो दूसरा क्या हो जाएगा, एम टू हो जाएगा 4, वी वन 6 है. हम फार्मूला ला देंगे एम वी इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, तो वी टू आ जाएगा हमारे पास इससे. ई एम एफ दी है 50 volt, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.7, टर्मिनल वोल्टेज 75, करंट चाहिए. पहले तो देखो ई एम एस है ना, टर्मिनल वोल्टेज माइनस करो, 80 - 75 5 होता है, 0.04 से डिवाइड कर दो, आंसर 125 एम्पेयर हो जाएगा. फिर है रोटेशनल व्हील ऑफ रेडियस 0.5 m हैज एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 5 radian एट सम इंस्टेंट एंड 10 radian आफ्टर 5 seconds. फाइंड इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट एट इट्स रिम. देखो बात ये है कि 0.5 m है डिस्टेंस, ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है 5 से 10, यानी 5/5 सेकंड में, तो 5/5 1, फर्क तो 1 ही पड़ा ना, तो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन इसी से तो निकलता है, इससे रेडियस से ताल्लुक ही नहीं है भाई. 10 - 5 को 5 से डिवाइड कर दो, आंसर 1 radian/s हो जाएगा. शॉर्ट्स लीव्स अ गन एट द रेट ऑफ 160 m/s, कैलकुलेट ग्रेटेस्ट डिस्टेंस. ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होता है रेंज 45 पे, तो देखो उसकी शॉर्ट ट्रिक होती है मेरी कि जो v है ना इसका स्क्वायर लो, g से डिवाइड कर दो, g 10 भी है और आसान कर दिया, आंसर आ जाएगा 2560 m. अब देखो यहाँ ब्लॉक है जिसका मास इतना है, मास से कोई ताल्लुक नहीं, देखो फोर्स दी है 210, ये बड़ा है हमें cos 30 और डिस्टेंस 3, तो हमें क्या करना होता है, फोर्स को डिस्टेंस को और cos 30 को मल्टीप्लाई करना होता है. तो जब हम ये करेंगे 210 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और cos 30 की वैल्यू से 315√3 आ जाएगा. फिर आपको एक सवाल दे रही है कि जिसकी फोकल लेंथ 20 cm है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 है, तो देखो इसके ट्रिक भी मैंने अलग से करवाई हुई, इमेज डिस्टेंस 20 आ जाएगा, तो 20 ही आएगा, और देखो -20 आएगा, तो माइनस का मतलब है क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी ई बोथ ए एंड बी. और इसको भी मैजिक से मैंने कराया था, अलग से वीडियो है उसकी, 0.96 W इसका आंसर है. और ये एयरक्राफ्ट वाला हमने ट्रिक का इस्तेमाल किया था, देखो सेंट्रीपेटल फोर्स होती है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, मास होता है एम जी, इसको सॉल्व करके आंसर 0.54 m होगा. फिर अमाउंट ऑफ एनर्जी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो भाई ये इंटरनल एनर्जी होती है. पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये भी ए लेवल से उन्होंने उठाया है सवाल, नॉर्मली ऑन डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग इट इज़ नोटेड दैट सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर स्पेक्ट्रा
पार्शली ओवरलैप विच ओवर लेंथ इन द थर्ड ऑपेयर एट द सेम एंगल एज द वेव लेंथ ऑफ 600 नैनोमीटर इन द सेकेंड ऑर्डर। देखो अब इसको सॉल्व जब करेंगे हम करेंगे एक शॉर्टकट फार्मूला एम वन लैमडा वन इक्वल टू एम टू लैमडा टू, उससे 400 नैनोमीटर आ जाएगा। इसकी भी अलग से वीडियो मौजूद है। फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम 4 times है अननोन प्लैनेट पे, तो बताइए कि हाँ 4 times है ग्रेटर ऑन अननोन प्लैनेट, तो ग्रेविटेशन के हवाले से तो देखो 4 का स्क्वायर 16 हमारा आंसर हो जाएगा। सब मेरिन वाला सवाल इसमें लोग कंफ्यूज हो गए थे। देखो ऊपर ये ऊपर है ना हमारा, ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर, ठीक है। गए तो 2.3 सेकेंड लगे, यानी खाली एक साइड पे आने पे कितना लगेगा 2.3 divided by 2 1.15 सेकेंड, क्योंकि टाइम हो गया, स्पीड 1490 है, मल्टीप्लाई करते हैं डिस्टेंस आ जाएगा 1700। फिर एक और सवाल बड़ा अच्छा था, टोटल एनर्जी पूछ रहे हैं, एम जी एच का फार्मूला लगाएंगे 2 kJ आंसर आ जाएगा इसका भी। इंटरनल एनर्जी एडियाबेटिक में जब हम कह रहे हैं इंक्रीज हुई तो क्या होगा, तो जब भी इंक्रीज होगी तो बर्डन ऑन द सिस्टम होगा। 2000 वॉट पावर दी है, टाइम 10 मिनट है, हीट या एनर्जी चाहिए तो पावर को मल्टीप्लाई करते हैं टाइम से, क्योंकि मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, 60 से भी कर दीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा। ये भी ए लेवल से उठा के लिया है, याद रखो देखो मैक्सिमम पॉसिबल पावर के लिए हमें एस वन एंड एस टू चाहिए, मिनिमम नॉन जीरो पावर के लिए एस टू चाहिए, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर कह रहे हैं टेम्परेचर बॉडी का, देखो इसमें सबने गलती की थी, 100 degree centigrade है उसको हमने डेल थीटा बढ़ा दिया सेल्सियस में, तो बताओ केल्विन में कितना आएगा। तो देखो मैंने ट्रिक बताई थी कि जो सेल्सियस में बढ़ता है वही केल्विन में बढ़ता है, डेल थीटा ही हो जाएगा। बॉल ऑफ बॉडी 2 kg एट ट्रेवलिंग, ठीक है ये भी है वही हमारा मोमेंटम के फार्मूले से होगा, 2.8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है हमारा 16 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 2 masses हैं, उन सबको जो है ना हम ऐड अप कर लेंगे, तो इससे ये रिजल्ट भी आ गया था। तो सिंपल से ही क्वेश्चन, इतने मुश्किल नहीं जितने लोगों